चारा है, इसकी जांच हो रही है, बताते हैं सबकी गिरफ्तारी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े हत्या की जो खबरें हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों से देखने को मिलती है। लेकिन इस सब के बीच अगर हम बात करें तो अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बिहार तो इतना बड़ा राज्य है, ऐसे में कुछ ना कुछ तो यहाँ होता ही रहेगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का। तो बोला कि बता दीजिए, पीड़ित परिजनों से मुलाकात क्या संबंध है? मुलाकात हुई है अभी, इसलिए हाजीपुर से बात हुई है और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि 2 घंटे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर दें। जो हत्यारा है उसकी जांच हो रही है, बताते हैं सबकी गिरफ्तारी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। बता दें आपको कि हाजीपुर में 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंचे। लेकिन जब वहां पे मीडिया ने इस घटना को लेकर सवाल पूछे तो इसके जवाब में पशुपति कुमार पारस ने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि ये इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और यही वजह है कि इस विवादित बयान के बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर और उनके प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, आखिर क्यों बिहार में इस तरह से लूटपाट और हत्या की घटना देखने को मिल रही है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि ये बिहार बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे अलग अलग जिले हैं, ऐसे में कुछ ना कुछ तो घटना होती ही रहेंगी। और यही वजह है कि इस बयान के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी हमला बोल रहा है। लेकिन आखिर इस तरह से जवाब देना क्या केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को शोभा देता है? बात करें तो हाजीपुर में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंचे थे। लेकिन मीडिया के सवालों का बेतुका जवाब दिया गया केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से, और यही वजह है कि अब इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए ना ही ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।